नेटवर्क में आपको इधर जोड़ियां बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सिंगल आईडी के ऊपर, सिंगल सिंगल ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा ले सकते हो, इनकम ले सकते हो। जैसा इधर मैंने बताया आपको 10 पेयर का 20 पेयर का आपको लिमिटेशन है, इधर कैपिंग है, वैसा स्किल नेटवर्क में आपको कोई भी कैपिंग नहीं है। ये इनकम आप इतना भी ले सकते हो और मार्केट में आप इसके ऊपर प्रॉपरली काम करके आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। वही सेम स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ आपको अलग इनकम के लिए अलग से दोबारा दिखाता हूँ। आप बिजनेस में जुड़ गए थे, आपका ये फर्स्ट डायरेक्ट था और आपका ये सेकंड डायरेक्ट था, वही है सब सेम। अभी इसके बाद जो है फर्स्ट डायरेक्ट और सेकंड डायरेक्ट जो आपने जोड़े थे, इसके बाद आपका बिजनेस में नीचे काम चल रहा है। अभी ये चलने के बाद क्या हो गया कि बिजनेस करते करते आपके जरिए आपने क्या किया है, ये फर्स्ट डायरेक्ट किया है और आपने ये सेकंड डायरेक्ट किया है, ये आपके दो डायरेक्ट है। उसके बाद आपका खुद का थर्ड डायरेक्ट आता है, तो आपके बिजनेस में या तो आप लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में उसको जोड़ सकते हैं। तो मान लेते कि आपका जो थर्ड डायरेक्ट है आपने बिजनेस में लेफ्ट साइड में प्लेस किया, तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो भी आए बंदा है उसके नीचे जाके अपने आप वो गिरेगा। अभी ये जो है आपका, इसे हम C1 बोलते हैं। तो आपके दो डायरेक्ट के बाद जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्ट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्पिल बोलेंगे। अभी ये आपका पहला स्पिल हो गया, ये आपका C2 दूसरा स्पिल हो गया, ये आपका C3 तीसरा स्पिल हो गया। ऐसे अनलिमिटेड स्पिल आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो और इनके ऊपर जो भी आपको इनकम मिलेगा वो आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। अभी हम क्या बोला है कि आपने जो ये स्पिल डाला है, स्पिल नेटवर्क मतलब इसके नेटवर्क के ऊपर जो भी खड़ा होगा या इसका नेटवर्क जो भी बनेगा उसके ऊपर कंपनी आपको इनकम देने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कोई भी बंदा जुड़ता है तो उसको ए और बी करना अनिवार्य है, उसको ए और बी करना कंपलसरी है। तो जैसा ये आपका स्किल जुड़ेगा इसको ए तो करना ही पड़ेगा, जैसा ही ए करता है तो आपको अलग से इधर 200 रुपए आता है। ओके, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं कि आपका इधर बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, पेयर मैच हो रही है नहीं हो रही है, कोई मायने नहीं रखता है। जैसा ही स्किल के नीचे एक बंदा आ गया, इसका ए 200 रुपए मिल गया, इसके नीचे बी आ गया, फिर आपको 200 रुपए मिल गया, इसके नीचे ए आया 200, बी आया 200, ए आया 200, बी आया 200। ऐसे स्पिल के नीचे जितने भी ए बी आएंगे हर एक के ऊपर आपको 200 रुपए मिलने वाला है, इसके लिए कोई भी कैपिंग नहीं है। मान लेते कि उस हफ्ते में अगर आपके ऐसे 20 लोग आ गए ए बी, तो 20 × 200 उस हफ्ते का आपका 4000 रुपए का पे आउट बनेगा, इसके लिए इधर बिजनेस हो ना हो कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका सिंगल साइड में भी सिंगल सिंगल आदमी के ऊपर भी आपको स्पिल नेटवर्क इनकम आ सकता है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट स्पिल। अभी सेम तरीके से आपके पास अगर दूसरा बंदा आता है जिसे हम C2 बोलते हैं, ये आपका सेकंड स्पिल हो गया, तो ये भी काम करेगा। जैसा ए काम करता है इसके ऊपर फिर अलग से 200 रुपए आ गया, ये बी काम करता है 200 रुपए आ गया, ए जुड़ गया 200 रुपए, बी जुड़ गया 200 रुपए, ऐसा हर ए बी के ऊपर। जैसा इस स्किल के ऊपर ए बी के ऊपर 200 रुपए आता था, सेम तरीके से इसके ऊपर आपको अनलिमिटेड 200 रुपए मिलता जाएगा। अभी इसका मैजिक देखिए, आपका ये फर्स्ट स्किल हो गया, आपका ये सेकंड स्किल हो गया, इसके नीचे एक बंदा आ गया तो अलग से 200 मिल गए, इसके ऊपर 200 मिल गए, मतलब 200 और 200 कितना हो गया 400 रुपए हो गए, और इसका पेयर भी बन गया, पेयर का 250 रुपए पकड़ते हैं, तो एक पेयर का 650, 700, 800 रुपए कितना भी ले सकते हो। ये हो गया आपका पेयर का इनकम और स्किल नेटवर्क दोनों का मिला के। तो जितने भी आप नीचे स्किल रहेंगे उतना ज्यादा आप इसमें से इनकम पा सकते हो। अभी इसमें मैजिक देखिएगा, अगर ऐसे मान लेते हैं कि लगातार आपने कंसिस्टेंसी लगन से दिल से मेहनत करके अगर 6 महीना भी ग्रिड के ऊपर काम किया, तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी बंदा, हर एक कॉम्पिटिशन रहेगा, मैं 50 जोड़ता हूँ, 100 जोड़ता हूँ, 20 जोड़ता हूँ, 50 जोड़ता हूँ, इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट जोड़ो, कितना 10, और इनके ऊपर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उनको सपोर्ट करो, उनका टीम डेवलप करो। अभी एक बंदा जुड़ता है या 10 बंदे आप जोड़ते हो, तो वो 10 बंदे अकेले तो नहीं रहेंगे ना, कम से कम 6 महीना काम कर रहे हैं, तो हर एक का, किसी का 100 लोगों का, किसी का 200 लोगों का, किसी का 500 लोगों का, किसी का 400 लोगों का टीम रहेगा। अब ये टीम के ऊपर जो है, मान लेते कि आपके नीचे 10 पील है और ये 10 पील के नीचे 10 भी ऐसे ए भी आएंगे हर एक से, हर एक पील से, तो भी 10 × 10 कितने हो गए, ये 100 लोग हो गए। ये पूरे एक दिन में नहीं बता रहा हूं मैं,
के नीचे छह महीने के बाद ऐसे दस दस भी ए भी आएंगे, टोटल उस हफ्ते में आपके 100 ए भी रहेंगे, हर एक के ऊपर जो है आपको 200 रुपए मिलने वाला है, यानी कि उस वीक का सिर्फ स्पिन नेटवर्क का आपका इनकम कितना रहेगा, 20,000 रुपीज रहेगा एक वीक में। मैं बता रहा हूँ आपके नीचे ऐसे 10 पिन है और 10 पिन के नीचे सिर्फ पूरे हफ्ते में 10-10 लोग ये आ रहे हैं, तो भी आपका एक वीक का 20,000 रहेगा। ऐसे एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं तो पूरे महीने में आपको स्पिन नेटवर्क का 80,000 रुपए इनकम आएगा। ओके, अब इसके साथ साथ जो है जो मैंने ये पेयर इनकम बताया था, इनके पेयर मैच होंगे, जो आपको 10 कितना पेयर का गैप भी गए, डेली 10 पेयर का गैप भी गए, उस पेयर के ऊपर भी मान लेते हैं कि अगर आपको 20,000 रुपीज मिलता है तो भी आपको पर मंथ इस सिस्टम से अगर लगन से मेहनत से काम करेंगे तो पर मंथ 1,00,000 रुपए भी आप इस सिस्टम से कमा सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका मैचिंग इंसेंटिव और स्पिन नेटवर्क। हाँ, ये हो गया आपका बिजनेस के बारे में। अभी इसके ऊपर जो है आपको अगर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टेक्निक्स है, बिजनेस के कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये करते करते जो है इसके ऊपर आपको ये बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया, तो ये बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है कि आपको सिस्टम में बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज चाहिए। जो नॉलेज आप एक्वायर करोगे वो मार्केट में आपको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास उसका तरीका मालूम होना चाहिए, तो उस तरीके के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम के लिए, कोई भी काम करने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उस स्टेप्स फॉलो करने के लिए हम जो बोलते हैं इस इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से 90% लोग जो है इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जो प्रूवन है मार्केट में, पिछले 50 साल से लोग इसी को फॉलो करके आ रहे हैं और मैक्सिमम जो है 90% लोगों को इसमें रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूं इसे हम 4 बेसिक स्टेप्स बोलते हैं। अब ये 4 बेसिक स्टेप जो है, ये 4 बेसिक स्टेप्स क्या है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 बेसिक स्टेप मतलब क्या है, ऐसा कोई बड़ा जादू नहीं है, ये क्या है आपके डेली रूटीन में भी आप क्या करते हो और रेगुलरली करते हो लेकिन आपको मालूम नहीं है इसमें क्या करना है। देखिए, कोई भी अगर हमको काम करना है तो हम पहले क्या करते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो पहले आप देखते हो इसके लिए कस्टमर कौन सा है, कस्टमर लिस्ट निकालते हो। तो उसी तरीके से क्या होता है, इस बिजनेस में पहला जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिस्ट निकालना है। अब ये जो लिस्ट है, लिस्ट कौन सा चाहिए, पहले तो आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो बिजनेस मैन जो भी है उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसको कुछ सपने रहते हैं, तो आपके जो भी आपके मन में है हर एक का सपना अलग अलग है, तो पहले तो आप क्या करो आपका ड्रीम लिस्ट के ऊपर काम करो, आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स पहले इधर लिख के रखो, योर ड्रीम लिस्ट। ओके, अब ये ड्रीम लिस्ट आपने लिख दिया तो उसके ऊपर ड्रीम लिस्ट लिखने से कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर जो है काम करने के लिए आपको लोग चाहिए, तो लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी फ्रेंड लिस्ट डेवलप करना जरूरी है। मतलब आपके बिजनेस में आपको फ्रेंड्स की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। ओके, अभी देखिए फ्रेंड्स मतलब ओनली फ्रेंड्स नहीं है, आपके जितने भी मार्केट में लोग हैं उनके ऊपर फ्रेंड्स मतलब एक्चुअल फ्रेंड हम पकड़ेंगे कि आपके एफ का मतलब है फ्रेंड्स, आपके एक्चुअल फ्रेंड्स कितने हैं। मान लेते कि हर एक आदमी के, अगर मान लेते कि अपने जीवन काल में छोटे जब तक हम पहले में थे, दूसरे में थे, दसवीं में थे, कॉलेज में गए, काम पे गए, तो ऐसे कम से कम 25-50 फ्रेंड तो हमेशा के लिए हर एक आदमी को रहते हैं जिनको हम हक से बोल सकते हैं। कोई भी आदमी है तो उसको रिलेटिव तो रहेंगे, मान लेते ऐसा एक 25 जिनको हम हक से बता सकते हैं, जिनको हम एक बिजनेस जाके बता सकते हैं। या फिर आय का मतलब है इंस्टीट्यूट, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में आपने सीखा हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, ऐसे भी आपके लोग 5-25 लोग नजदीक के रहेंगे जिनको आप एक बिजनेस बता सकते हो। या फिर ई का मतलब है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब आपके आजू बाजू में अदर अलग अलग सेक्टर के है, जैसा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, हमारा पीएमटी है, या वेस्ट हो, या अलग अलग कॉर्पोरेशन हो, या अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ऐसे अलग अलग लोग जिधर काम करते हैं, या कोई फैक्ट्री हो उधर, तो अदर आजू बाजू के एम्प्लॉइज लोग है उनका भी आप 20-25 लोगों का लिस्ट निकाल सकते हो। एन का मतलब है नेबर्स, तो नेबर्स का भी लिस्ट निकाल सकते हो। मान लेते कि हर एक के आजू बाजू में कम से कम 25-50
नेबर भी रहते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ऐसे आपके फैमिली डॉक्टर रहेंगे, प्रोफेशनल लोग, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वकील्स है, ऐसे भी लोग आपके चार पांच पहचान के रहेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपके लोग रहेंगे स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब क्या है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, मार्केट में इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, और बहुत सारे बार जो अपने अनजान आदमी है उनसे भी हम बातचीत करते रहते हैं। उनका हमको क्या होता है कि बोलना चलना अच्छा लगता है, हमारा एक दूसरे के साथ मतलब सोच एक साथ मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं उनका नंबर भी हमारे पास रखते हैं। ऐसा हमारे पास एक दस एक लोगों का भी डाटा रहता है। तो मान लेते हैं कि आपके पास ये पूरा फ्रेंड लिस्ट है। फ्रेंड मतलब क्या है, इसी में समाज के सब लोग आ गए, आपके फ्रेंड्स मतलब आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉयज है, नेबर्स है, डॉक्टर्स है और स्ट्रेंजर्स है। इन सब लोगों का लिस्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपरली उन लोगों को आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो उसके बारे में आपको जो सेकंड स्टेप है जिसे हम बोलते हैं उनको कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करना है एंड इनवाइट, मतलब कॉन्टेक्ट करना है कि उनको आप फोन पे बता सकते हो, सोशल मीडिया के द्वारा बता सकते हो कि मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस चालू किया है और इस बारे बिजनेस के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, भले जब जिस वक्त आपको टाइम मिलेगा आप मेरे पास आएंगे तो भी आप मैं आपको बता सकता हूँ, जब आपको टाइम मिलेगा तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। अब ये कॉन्टेक्ट इन्विटेशन होने के बाद तीसरा स्टेप जो आता है हमारा, मतलब उस लोगों को प्रॉपरली कॉन्टेक्ट करके इन्वाइट करना है या तो उनको हमारे पास करना है या हम उनके पास जाना है। अभी तीसरा स्टेप जो रहता है जिसे हम बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने लिस्ट निकाल दिया, आपने कॉन्टेक्ट इन्वाइट किया, लेकिन अगर आप थर्ड स्टेप नहीं करोगे तो बिजनेस का कोई मजा नहीं है। जो आपको मैसेज उन तक पहुंचाना है वो स्टेप जो है इसे हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब है शो द प्लान। अभी ये शो द प्लान सिस्टम है, शो द प्लान जो हम कर रहे हैं, शो द प्लान के लिए आपके पास अलग अलग तीन तरीके का ऑप्शन है। इसी में से शो द प्लान करने के लिए आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है कि अगर आप किसी बंदे को खुद जाके मिलते हो तो उसको वन टू वन बताते हो, मतलब सिंगल सामने सामने बैठ के एक दूसरे का उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हो, बिजनेस के बारे में बता सकते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में, इनकम प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, कंपनी के बेनिफिट के बारे में, वो प्रोडक्ट कंपनी में वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लोगों को किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए किसके लिए कैसा बेनिफिशियल है वो, और जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट वर्क है आप उसको थोड़ा सामाजिक रूप से भी लोगों में स्प्रेड कर सकते हो कि हम जो अभियान चला रहे हैं मार्केट में लेडीज को यूटेरस कैंसर मुक्त जो अभियान चला रहे हैं, हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष की महिलाएं हैं उनको हमको क्या करना है, यूटेरस कैंसर मुक्त करना है, ऐसा आप वन टू वन भी उनको प्लान के जरिए वो मैसेज पहुंचा सकते हो शो द प्लान के जरिए। इसके बाद दूसरा जो तरीका है आप क्या कर सकते हो, इसके लिए होम मीटिंग भी कॉल करके लोगों को ये मैसेज पहुंचा देगा। अभी होम मीटिंग के दो तरीके है, या तो आपके घर के लोगों को होम मीटिंग के लिए कॉल कर सकते हो, या तो फिर जिस बंदे के पास आप जा रहे हो, मान लेते कि आपने क्या किया कि आपके सीनियर को, आपके अपलाइन को आपके घर में कॉल किया है, तो आजू बाजू के जितने भी आपके नजदीक नेबर्स है उनको क्या कर सकते हो, उतने महिलाओं को या उतने जेंट्स लोगों को कॉल करके उनको ये बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे कंपनी का हमारा अभियान है, और उधर 5, 6, 7, 8, 10, 15 लोगों को होम मीटिंग के जरिए भी मैसेज आपका बिजनेस का पहुंचा सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया होम मीटिंग का। तीसरा तरीका जो है आप इसमें से बीओपी के जरिए, बीओपी मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम। अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम क्या रहता है कि हमारे कंपनी की तरफ से हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हमारे लोग जो है इसका बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग रखते हैं हर वीक में, हर हफ्ते में, जो भी है जिधर भी छोटा सा स्कूल है, जिधर भी छोटा सा सेमिनार रूम्स है, जिधर भी छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है, उधर क्या करते हैं, उधर जितने भी लोग है आजू बाजू में, मतलब जिनको प्लान बताना नहीं आता है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता है, देना नहीं आता है, लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, इकट्ठा 40-50 लोगों को इकट्ठा बुलाते हैं और उधर क्या करते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम हम उसे बोलते हैं, उसके जरिए हम लोगों को बता सकते हैं। और चौथा जो है हम
सेमिनार के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं। अभी सेमिनार मतलब क्या है कि अलग अलग जगह पे कंपनी लेवल पे बड़े बड़े सेमिनार लेती है, जिधर 100 लोग, 200 लोग, 250 लोग, 300 लोग भी रहते हैं। इधर क्या होता है कि मान लेते कि अभी आप पुणे में हो, आप मुंबई में हो, लेकिन कंपनी का सेमिनार अगर औरंगाबाद में है, नासिक में है, कोल्हापुर में है, गुलबर्ग में है, या फिर एमपी में है, यूपी में है, गुजरात में है, आप क्या कर सकते हो, आपका अगर कोई नजदीक का फ्रेंड है जो गुजरात में है और गुजरात में सेमिनार है, तो आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप उस आपके बंदे को, आपके पहचान के फ्रेंड को बोल सकते हो कि कंपनी ने 100 जगह गुजरात में, बड़ौदा में, इस हॉल में, इस जगह कंपनी के पूरे लोगों का मीटिंग रखा है, आप उधर जाके उनका जानकारी ले सकते हो। और वही जो कंपनी का आपका प्रतिनिधि उधर जाके आपको बताने वाला है, वो सेम एज इट इज जो वही आपका जो गेस्ट है वो उसको सब उधर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जो कंपनी का हर एक आदमी, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हर लोगों तक पहुंचाता है, और उधर बड़े पैमाने में हम 100-200 लोगों को इकट्ठा उसका जानकारी देते हैं। तो ये जो है, मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको कि आपको लिस्ट निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ा अपना क्या है, कैपिटल यही है। जब तक आपके पास इधर पैसा कैपिटल नहीं है, आपके पास जितने भी ज्यादा लोग रहेंगे उतना बड़ा आपका लिस्ट रहेगा। उस लिस्ट के ऊपर आपने क्या किया है, उन लोगों को कॉन्टेक्ट यानी इन्विटेशन दिया है। इन्विटेशन करने के बाद आपने उनको क्या किया है, मीटिंग लिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है या सेमिनार है, उनके जरिए किसी भी तरीके से, चारों में से कौन से भी तरीके से आप उनको आपके बिजनेस का मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो। और ये सब करने के बाद जितने भी लोग आपके बिजनेस में बिजनेस प्रेजेंटेशन सुन चुके हैं या उनको आपने दिया है, चौथा स्टेप है, उन सब लोगों का आपको क्या करना है, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद या इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनका फॉलोअप लेना है। क्योंकि सबसे बड़ी स्टेप यही है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, बिजनेस बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन वो क्या है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, बोलते हैं आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन उनको क्या है, जब आपने इतना सब मेहनत किया है, इतना सब कष्ट उठाया है, उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन इनवाइट किया है, प्लान बताना है, तो सिर्फ आगे का स्टेप है कि आपको उनका, आपने जो भी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया है उसका सिर्फ उनको जो भी क्यूरीज है उनका आपको उनका निरसन करना है, उनका आपको सोल्यूशन देना है, और उनके मन में जितने भी डाउट है वो डाउट क्लियर करने हैं। जैसे ही आपके उस बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति जो भी उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वो बंदा अपने आप उस बिजनेस में जुड़ने वाला है। तो ये आपको क्या करना है, चार स्टेप जो है आपको प्रॉपरली बिजनेस में फॉलो करने हैं। तो दोस्तों ये स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको दावे के साथ देता हूँ कि शुरू शुरू में आपको क्या होगा, थोड़ा ये डेवलप करने के लिए, आत्मसात करने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, लेकिन एक बार आप इस स्टेप में ढल जाओगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। तो इस स्टेप के साथ आपको फॉलो करना है। अभी देखिए दोस्तों, ये स्टेप जो है आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि कभी कभी जो नए लोग रहते हैं, जिनको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता है या मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं रहता है, वो लोग तुरंत सिस्टम से क्यूट हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ये आपको सोचना नहीं है, जब भी मार्केट में आप काम करोगे तो मार्केट में हर एक आदमी की सोच अलग अलग तरीके से काम करती है, तो इसमें से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको आपके कंपनी के प्रति, आपको आपके बिजनेस के प्रति, आपको अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सामने वाला क्या सोचता है आप उसके ऊपर छोड़ दो। इसमें से जब आप मान लेते हैं कि सब लोगों को आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया है, तो इसमें से आपको सिस्टम में 25% लोग जो है, 25% ये लोग निगेटिव मिलेंगे। निगेटिव यानी क्या है कि उनका सोचने का नजरिया ही निगेटिव रहता है। वो आप उनको कुछ भी दो, कुछ भी बताओ, उनके प्रति क्या है कि वो निगेटिव सोच से ही देखते हैं। बोले कि ऐसा होता है तो सब यही नहीं करते थे क्या, मतलब उनका सोच हमेशा निगेटिव रहता है। तो ऐसे लोग अगर मार्केट में आपको मिल जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका काम आपको लगातार आगे बढ़ाते रहना है। हो सकता है कि आपने 4 प्लान दिए 5 प्लान दिए और 5 लोग जुड़ नहीं गए, तो हो सकता है कि छठवां आदमी जुड़ने वाला रहता है, लेकिन आप क्या है, सिस्टम से पिछड़ जाते हो, सिस्टम से आउट हो जाते हो, और फिर आप क्या सोचते हो कि लोग काम नहीं कर रहे। ओके, उनके ऊपर अड़े नहीं रहना है। मार्केट में 25% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं फॉलोअर्स। अब ये फॉलोअर्स लोग जो रहते हैं ना, ये आपके बिजनेस में 100% आते हैं, लेकिन क्या है, ये बाद में आते हैं, थोड़ा देरी से आते हैं। होता क्या है कि इनकी खुद की डिसीजन पावर नहीं रहती, इनका खुद का सोच नहीं रहता है, वो दूसरों को फॉलो करते हैं और बाद में आते हैं। जैसे आपने किसी फ्रेंड को बता दिया, आप 4 फ्रेंड एक साथ सुन रहे हो, तो दूसरे को आगे करेंगे, पहले आप कर लो बाद में हम आते हैं। वो आते हैं लेकिन थोड़ा देरी से आते हैं। तो ये 25% लोग आपके बिजनेस में
आएंगे लेकिन देरी से आएंगे। तीसरा लोग जो है वो अभी आपको 25 टका लोग ऐसे मिलेंगे, ये क्या रहते हैं ड्रीमर्स। अभी ड्रीमर्स मतलब क्या है, वो सिर्फ ड्रीम ही देखते हैं, ना तो आपको ना भी नहीं बोलेंगे और आपको ज्वाइन भी कभी नहीं होंगे। आप उनको प्लान बताओ, सब बताओ, कॉलम ले लो, वो आपको हर बार यही कारण देंगे अगले हफ्ते करेंगे। अगला हफ्ता आया, LIC का हफ्ता था, लड़का बीमार कर गया, ट्यूशन का पैसे देना है, ऐसा आपको अलग अलग हर हफ्ते में उनका रीजन हमेशा तैयार रहता है। तो ये जो लोग है सिर्फ सपने देखने वाले रहते हैं, ये कुछ करने वाले नहीं रहते। ओके, तो ऐसे ड्रीमर्स लोग भी मिलेंगे। और चौथा जो है 25% लोग जो है आपके इधर मिलेंगे, वो क्या रहते हैं, ड्रीमर भी रहते हैं और एक्शन प्लानर भी रहते हैं। अब ये जो 25% लोग रहते हैं ना, ये बहुत अपने काम के लिए साबित लोग रहते हैं, मतलब अपने काम के प्रति एक निष्ठ रहते हैं। वो तुरंत देखते भी है, डिसीजन भी लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन प्लान भी करते हैं। मतलब उनके ड्रीम भी रहते हैं और उनके एक्शन प्लान भी रहते हैं। ये 25% लोग और ये 25% लोग, अगर आप 100 लोगों को प्लान बता रहे हैं तो इसमें से 50 लोग आपके पास हम 100% श्योरली जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका प्रयास जारी रखना है, आपका मेहनत लगातार कंटिन्यूस रखना है। देखिए कोई भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि जिधर आपको रिजल्ट नहीं आता है। देखिए मार्केट में हम आप ताश खेलते हो, हर एक को मालूम है ताश में कितने पत्ते रहते हैं, 52 पत्ते रहते हैं। अभी 52 में आपको अगर उसमें से 1 निकालने हैं, 4 इक्की निकालने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक के बाद एक पत्ता पलटी करना पड़ेगा। आपने 4 किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए, तो आपने ऐसा सोचना नहीं कि इसमें 1 नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए इस 52 पत्ते के अंदर 4 इक्के है ही है। लेकिन आपका पेशेंस जो है वो मजबूत होना चाहिए, आपके पास जो है उतना पेशेंस लेवल कंटिन्यूस बरकरार रखना है। अभी मान लेते कि आपने 48 पत्ते भी पलट लिए, लास्ट वाले 4 क्या रहेंगे, एक ही मिलने वाले ना। तो मतलब इस सिस्टम में ऐसा रहता है, आपने 10 लोगों को प्लान बता दिया, 11 लोगों को बता दिया, 15 लोगों को बता दिया, तो भी आपको इसमें से निगेटिव खुद नहीं होना है। हो सकता है कि 16 आदमी आपके पास रहेगा जो बिजनेस करने वाला नहीं रहता है, लेकिन आप उधर जाते नहीं हो। तो इस सिस्टम में क्या करना है, आपको सिस्टम में एक साथ बरकरार रखना है। तो ये आपने क्या है, कोर बेसिक स्टेप फॉलो करते करते आपको जो भी इसमें से ऑप्टिकल्स आएंगे उसके ऊपर आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी देखिए ये जो सब बताया मैंने, इस बताने के लिए जो है आपने तो सुन लिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपके पास भी क्या चाहिए, उतना आपका मेंटल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। होता क्या है कि आप सब बिजनेस सुनते हो, ये सुनते हो, लेकिन क्या है मेंटली जब आप डिसीजन लेते हो तो कुछ देर के बाद मेंटल आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा दिखता है, बिजनेस प्लान अच्छा दिखता है, इनकम अच्छा दिखता है, तो आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा। लेकिन मेंटली डिसीजन लेने के बाद भी हो सकता है कि जिस वक्त मतलब आप मार्केट में बाहर गिरोगे बिजनेस करने के लिए, तो होता क्या है कि आपका कभी कभी क्या होता है कि डेली जाके प्लान बताना, डेली जाके लोगों को डेमो दिखाना, इसकी वजह से क्या होता है कि आपको डेली की वर्क में आप क्या होते हो, परेशान हो जाते हो, और आप क्या होते हैं फिजिकली क्या हो जाते हो, इस सिस्टम से हट जाते हो। तो मेंटली डिसीजन ले एक बार आपने ले लिया तो आपको इस सिस्टम में फिजिकली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग तो क्या है पैसा दिखता है इसलिए कूद तो जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, जब डेली के तकलीफ सहने की उनकी आदत नहीं रहती ना, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उस सिस्टम जो बोलते हैं ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिजिकल पेन होता है ना, तो उस सिस्टम से आउट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहोगे, तब तक बिजनेस आपसे होने वाला नहीं है। तो इसमें से आपको 4 तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एक तो मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, दूसरा है आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और तीसरा जो है इसके साथ साथ आपको इमोशनली स्ट्रांग भी होना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आप मेंटली डिसीजन ले लिया, फिजिकली आप बहुत सारा एफर्ट्स कर रहे हो, लोगों के पास जाके प्लान बता रहे हो, प्लान बताने के बाद भी कभी कभी होता है आपने एक घर में प्लान बताया ना आपको ना मिला, दूसरे घर में बताया आपको वो मिला, तीसरे घर में बताया आपको ना मिला, तो होता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी कंपनी है, फिर भी लोग ना क्यों बोल रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है कि आदमी थोड़ा डिमोट हो जाता है, आदमी थोड़ा इमोशनली फील हो जाता है, वो इमोशनली क्या होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, और उसको लगता है कि ये बिजनेस मुझसे होता नहीं है, मेरे मुंह के ऊपर मैं इतना अच्छा बता रहा हूँ फिर भी मेरे को लोग नो बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि आपको इसमें आपकी इमोशन जो है वो भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको इमोशनली बिल्कुल डिमोट नहीं होना चाहिए, आपको इमोशनली नाराज नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो प्रोडक्ट का महत्व है, कंपनी का महत्व है, प्लांट का महत्व है, आपको उसको बार बार बताना पड़ेगा उसको, तो इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ेगा।
और ये सब चीज जो आप करते हो इसके साथ साथ चौथा जो है आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं रहोगे तब तक आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, जब तक आपका विश्वास ही नहीं हो सिस्टम के ऊपर तो आप पाओगे। क्योंकि इस बिजनेस में जो है आप स्पिरिचुअली मतलब आपका जब कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, कंपनी के प्लान के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो आप सिस्टम से क्या हो जाओगे, बिजनेस अच्छा नहीं कर पाओगे। सब चीजें अच्छी होती हुई भी अगर आपका कंपनी के ऊपर फेथ नहीं रहेगा तो आप बिजनेस में काम नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों क्या है कि इस इंडस्ट्री का रूल है, इस इंडस्ट्री में वही लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं, अच्छा इनकम पा रहे हैं, मार्केट में सक्सेसफुल है, जिनका कंपनी के ऊपर विश्वास है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास है, कंपनी के प्लान के ऊपर विश्वास है, और कंपनी की जितनी भी चीजें कर रही है वो समाज के हित के लिए कर रही है, लोगों के हित के लिए कर रही है, उसके लिए वो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और अपनी कंपनी की खासियत ये है कि मैं 22 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, 22 साल में मैंने आज तक देखा है कि ऑलमोस्ट 98% जो कंपनी है वो लीगली कौन सा फॉर्मेलिटी करती नहीं है, गवर्नमेंट के टैक्स जो है वो पे करते नहीं है। अपनी कंपनी का खासियत है जितना भी हमारा अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने जितना भी कंपनी को हुआ है, कंपनी ने हर एक महीने का बाकायदा जितने भी लीडर लोगों का टीडीएस काटा है वो टीडीएस लोगों का कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए पे किया है। सबसे बड़ी खात है मार्केट में आज जो हमारा छोटा सा फॉर्म भी है, छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कोई भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस तोड़ के कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी जो कंपनी के हित में नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, हमारा टारगेट है कि मार्केट में अपना ग्रो मंत्र का अपना लीडर रहेगा ना, कभी भी जो भी लोग ले इसके भले 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 500 साल के बाद भी लेंगे तो अपना कंपनी के आदर के साथ लेना चाहिए और अपने लेडीज भाई के प्रति लोगों ने सैल्यूट करना चाहिए। यही मेरा मतलब आपको मैसेज है और ये बोल के मैं मेरे दो शब्द यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद, जय लेडीज भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सर ने प्लान के बारे में भी जानकारी दी, बहुत बारीक तरीके से दोस्तों सी फैक्टर के बारे में भी सर ने जानकारी दी, और रियली में देखा जाए तो ये सी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, जिन्होंने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है उनके लिए इनकम जो है दोस्तों ये 2x, 3x, 4x बन चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसको अच्छे तरीके से समझ लिए, आपकी जो ग्रेट अपलाइन है उनके माध्यम से इसके बारे में जानकारी लीजिए ताकि आप भी दोस्तों इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। तो दोस्तों इसके साथ में आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि आज टेक्निकल डायरेक्टर के साथ साथ में दोस्तों कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी दोस्तों हमारे बीच में अवेलेबल हैं। तो बुलाना चाहूंगा जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में मिस्टर सूरज कुंभार सर, मिस्टर सूरज कुमार सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू व्हाट सर, थैंक यू। उनका काफी 20 साल का एक बढ़िया शेयर किया है। जितने भी नए लीडर्स या जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आज हमारा सेशन अटेंड कर, आज नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो लेडीफ्लाई फैमिली मेंबर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये देवी का उत्सव है, वैसे ही अपना लेडीफ्लाई ब्रांड जो है पूरा का पूरा वुमेन्स पावर के लिए बना हुआ है। और हमारी भगिनी है, माताएं, उनको कैंसर से बचाने का एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसकी अपने हर लाइफ में एक लेडीज जिंदगी के 30-35 साल अपने महावारी के समय में मार्केट में जो ऑर्डिनरी सैनिटरी नैपकिन मिलता है और उस सैनिटरी नैपकिन से होने वाले जो कैंसर जैसे बीमारियां या इचिंग रैशेस बहुत सारी उससे जो दिक्कत आती है वहां से कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाए और एक राहत मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप और आपके जितने भी, जैसे सर ने बता दिया कि फ्रेंड्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे हमारे ऑल लिस्ट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। आपको एक जबरदस्त इनकम के साथ साथ एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और आप अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपनी जो भी बेटियां बहन है उन लोगों को इस सिस्टम के माध्यम से बचाने का काम
और एक बेहतरीन समझ लो 21वीं सदी में अपने हाथ में आया हुआ है। अगर ये कोरोना के माहौल के बाद अगर हम लोग बचे हैं तो जिंदगी में कुछ करने का मौका हम लोगों को इस सिस्टम के माध्यम से मिला है। तो छोटे से शॉर्ट पीरियड में ये 4 बेसिक ट्रेनिंग आपको देने की कोशिश हमने की है। ये 4 बेसिक ट्रेनिंग अगर आपको सुनना है तो पूरा एक 1 night 2 days का सेशन होता है। जल्दी हम लोग आपके लिए कंपनी के तौर पे लोनावला में ये प्रोग्राम अरेंज करने वाले 1 night 2 days का एक सेशन, वहां पे आपको 4 बेसिक के माध्यम से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, बड़े से बड़े पोजीशन में पहुंचना है, तो जैसे हम लोग पहले एक एंटर करते हैं, उसके बाद कॉलेज करते हैं, हायर एजुकेशन लोअर एजुकेशन के साथ हम लोग जो काम करते हैं, वैसे ही आपको इस इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। और वो ट्रेनिंग हम लोग डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करके आपको देने की कोशिश करेंगे। आप बने, जैसे सर ने छोटा सा प्लान लिया, दोस्तों प्लान में सिंपल बात है, एक तो मैचिंग इंसेंटिव या तो स्पिन नेटवर्क, ये दोनों इनकम है। मैचिंग इंसेंटिव कहीं ना कहीं आपको आगे जाके 10 पेयर या 20 पेयर का ही मिल सकता है, लेकिन जो स्पिल नेटवर्क आपके डायरेक्ट के माध्यम से लाइफ टाइम आपको इनकम बना के देने वाले एक जबरदस्त एटीएम मशीन आपके हाथ में, जिनका जिनका सी है और वो वर्किंग में है, मतलब जिन्होंने अपना डायरेक्ट किया हुआ है, तीसरे से ज्यादा जो भी डायरेक्ट आ चुके हैं वो आपको पिंक कलर में आपके स्ट्रक्चर में दिख रहे होंगे, और उनके माध्यम से जब भी ए बी जब तक आप कहते जाओगे, जब तक आप काम करते जाओगे, तब तक आपको इस ए बी के माध्यम से पर फॉर्म का 200 रुपया, मतलब पर ए का 200, पर बी का 200, उनके ए बी का ए बी, उनके ए बी का ए बी, जब तक ये काम चलता रहेगा तब तक आपके अकाउंट में 200 रुपया आता रहेगा। उसके लिए किसी भी मैचिंग की जरूरत नहीं, कोई भी लिमिट्स की जरूरत नहीं, अनलिमिटेड इनकम आने वाले दिनों में। जो भी इस इंडस्ट्री को समझ चुके हैं, जो भी लोग लेडी फ्लाई को समझ चुके हैं, उनको एक बेहतरीन इनकम आने वाले दिनों में, दिन का 20,000 रुपया, हफ्ते का 20,000 या महीने का 20,000, क्या आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आपको कितना इनकम यहाँ से अर्निंग करना है, उतना इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे एक खासियत की कोई किस लेवल पे काम कर सकता है, किसको एक बढ़िया सा टीम उसके हाथ में मिल सकते है, पता नहीं चल सकता है। इतना बढ़िया सा नीचे से नए नए लीडर्स लोग, नए नए लेडीज अपने पास काम कर रहे और अर्निंग कर रहे, महीने का 50,000 लाख रुपए आज भी लेने वाले एक बेहतरीन नए नए लीडर्स अपने को लेडी फ्लाई में दिख रहे। तो इस तरीके से काम चल रहा है, और इसको मोटिवेशन देने के लिए, इसको आपको बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कंपनी आपके साथ हमेशा खड़ी है। कंपनी के ग्रेट सीएमडी मनोज कुमार डांगे सर ने जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, उसको आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हुए आपको एक जबरदस्त नए नए पैकेजेस आ रहे हैं। दूसरा बेबी डायपर, जो कि होटल ताज का जो अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है दोस्तों, 15 तारीख तक, मतलब आने वाले दशहरे तक आपको ये कॉन्टेस्ट में भाग लेते हुए, जिनके 5 डायरेक्ट हुए होंगे, 4 डायरेक्ट हो गए, 6 डायरेक्ट या 7-8 डायरेक्ट हो गए होंगे, उनको अपने 10 डायरेक्ट कंप्लीट करना है। और जिन लीडर के माध्यम से पैटर्न अचीवर हो चुके हैं, उन लोगों को लेफ्ट में 5 पैटर्न अचीवर, राइट में 5 पैटर्न अचीवर अगर आप करते हो तो आपको भी होटल ताज में आने का मौका मिलता है। दोस्तों आज तक हम लोग होटल ताज के बाहर, जो गेटवे ऑफ इंडिया के वहां पे है, होटल ताज के बाहर जाके फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं, लेकिन ताज के अंदर क्या होता होगा, कौन ऐसे लोग है जो होटल ताज में रोज जाते हैं, पार्टी करते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, ख्वाहिश होती है कि मुझे ताज में जाना है। तो ये मौका आपको कंपनी ने दिया है, और मैं इस इंडस्ट्री में 10-12 साल से देख रहा हूँ, बहुत छोटी सी और ऐसी कंपनियां रहती है जो होटल ताज में लेके जाती है, वहां पे कन्वेंशन प्रोग्राम होता है, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम होता है, साथ ही साथ आपको गाला डिनर या तो लंच, एक बेहतरीन लंच आपको वहां पे मिल सकता है। और ऐसी ख्वाहिश अगर आपको पूरी करनी है तो सिर्फ आपको 10 डायरेक्ट करने, यानी कि वो आपके सी हो सकते हैं, जिसके माध्यम से लाइफ टाइम आपको वहां पे 200 रुपया तो अर्निंग मिल ही जाएगी पर फॉर्म की। और आगे जाके हम लोग बेबी डायपर लॉन्च करें, और अपना देश अगर देखा जाए तो 70% आबादी आज भी किसान भाइयों की है, तो किसान लोगों के लिए जैसे जय जवान जय किसान ऐसा देश का नारा था, वैसे ही अपने कंपनी का जवान आपके साथ और किसानों के हित में कुछ काम करने के लिए रेडी है। एग्रीकल्चर के नाम से आपके पास आने वाला है, वो भी हम लोग आज में लॉन्च करने वाले,
वो प्रोडक्ट के माध्यम से 2000 रुपए का ही रहेगा, सेम बेनिफिट जो आज लेडीप्लाई एंड सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से मिल रहे वही बेनिफिट आपको उसी के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप एग्रीकल्चर में भी काम कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा मार्केट है, कभी भी बंद ना होने वाला मार्केट है, प्योर ऑर्गेनिक का ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट, और उसके बाद रिपर्चेस में जो भी चीजें चाहिए हो लाने वाले। एग्रीकल्चर की अगर बात करो, जो आपको किसी भी आप शॉप में जाते हो एग्रीकल्चर के, तो आपको जो चीज 700 से 800 रुपए में मिलने वाली है वही चीज हम लोग यहाँ पे 500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट में प्राइस में 400 रुपीज को मिलेगा। अगर वही चीज आप ज्वाइनिंग में लेके जाओगे तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में जो वर्क करती है 1500 रुपए के नीचे वो पैकेज नहीं देते, ऐसे 4 पैकेट का एक जंबो बॉक्स बना के हम लोग वर्थ ऑफ वैल्यू 5 से 6 हजार रुपए का, या अगर मार्केट का देखा जाए तो ऐसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट सिर्फ 2000 रुपए में हम लोग उन किसान भाइयों को लेके आ रहे जो बहुत बड़ा आगे मार्केट आपके लिए ओपन कर रहा है। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन कभी भी बंद ना होने वाला प्रोडक्ट है, महीने में 5 बार लेडीज हमारी भगिनी यूज करती है, वैसे ही किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोमोटर प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड बहुत मार्केट में आने वाली हो और बाय डिफॉल्ट आपका बिजनेस हो कि आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। तीसरा प्रोडक्ट जो बेबी डायपर है, दोस्तों ये दिन में 5 बार अपनी महिलाएं अपने बच्चों के लिए यूज करती है क्योंकि नीडी प्रोडक्ट है। तो तीनों प्रोडक्ट आपको बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी दे सकते हैं, बहुत बड़ा टीम आपका लेके सकते हैं और अर्निंग सोचा होगा उससे बेटर आपका अर्निंग हो सकता है। यकीन मानो अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो आने वाले दिवाली तक ऐसे बहुत सारे लीडर आपको देखने को मिलेंगे जो दिन का भी 20,000 रुपया कमा लिए होंगे और हफ्ते का भी 20,000, महीने का 1,00,000 रुपया इस सिस्टम से कमा सकते हैं। तो ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कंपनी का ड्रीम विजन जो है आने वाले 26 जनवरी तक जो सुपरमार्केट डीएम के सुपरमार्केट ओपन होने जा रहा है, ये पहले ही कंपनी के हेड ऑफिस के लगभग अगल बगल में कल्याण में कहीं पे ऑफिस ओपन हो जाएगा सुपरमार्केट। दोस्तों मार्केट में जितने भी बड़े सुपरमार्केट वर्क कर रहे, बिग बाजार हो, डीमार्ट हो, रिलायंस मार्ट हो, जितने भी ग्रोपर्स हो, ऑनलाइन स्टोर्स हो, जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे ग्रोसरी वगैरह आइटम्स, वो सब आइटम्स सबसे सस्ता, ज्यादा से ज्यादा सस्ता आपके पास पहुंचाने का काम एक कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। और उस डीएम के सुपरमार्केट में जितने भी अपने ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर हो या विदाउट ज्वाइंट जो भी मार्केट का पीपल या मार्केट का क्राउड अपने शॉपिंग से शॉपिंग करेगा, उन लोगों के शॉपिंग के ऊपर एक बढ़िया सा डिस्काउंट कंपनी देगी, साथ ही साथ उसी के ऊपर कंपनी उनके जितने भी अपने कंपनी में रैंक अचीवर्स बनते जा रहे उन रैंक अचीवर्स को भी कंपनी शेयरिंग करेगी, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगी। पहली बार ऐसी कंपनी है जो नेटवर्किंग से बिना जुड़े जितने भी लोग सिर्फ नेटवर्किंग में आए हुए उन लोगों को एक लाइफ टाइम पेंशन के जैसा लाइफ टाइम रॉयल्टी प्रोवाइड करने का एक जबरदस्त प्लान लेके आई है। जबरदस्त विजन और फ्यूचर आपका इस लेडीप्लाई में जुड़ा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी तक मेरे हिसाब से बहुत सारे लीडर्स ने ताज अचीवमेंट कर चुके हैं, बहुत सारे लीडर्स के 2-3 आईडी की वजह से अभी तक रुका होगा काम, और साड़ी जो पैटर्नी अचीवर्स बन चुके हैं उन लोगों का भी हम लोग आपकी वजह से सब लोगों को मिलके लेडीप्लाई फैमिली की तरफ से मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और उनको मैं आगे की बात बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अचीवमेंट कर लिया है तो जो आपके साथ अभी जुड़ चुके जिनके माध्यम से आप पैटर्नी अचीवर या ताज अचीवर हो चुके उनको भी रेडी करवाने का, क्योंकि ये टीम वर्क का एंजॉयमेंट है, टीम वर्क का काम है। तो टीम वर्क के साथ आप हम लोग अगर अचीव हो चुके तो अपने टीम को भी अचीव कराने का काम सभी की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को बेखूबी अगर निभाना है तो अभी मालाड जो मुंबई में मालाड है, मालाड में एक प्रोग्राम होने जा रहा है सैटरडे को, वहां पे अपने सीएमडी, टेक्निकल डायरेक्टर, एडमिन डायरेक्टर विद्या मंसूरी मैडम, ये सब लोग वहां पे अवेलेबल है। 3 बजे से 6 बजे तक का एक जबरदस्त प्रोग्राम वहां पे होने वाला है। उसके बाद तलेगांव में एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, वहां पे मैं अवेलेबल हूँ। उसके बाद कोल्हापुर गडहिंग्लज वहां पे एक प्रोग्राम कंपनी मंडे को कर रही है 1 से 3, तो वहां पर एक ग्रुप है। उसके बाद बैंगलोर में चित्रदुर्ग में साउथ इंडिया में बहुत बढ़िया सा काम चल रहा है, जैसे 15 दिन पहले गुलबर्गा में प्रोग्राम हुआ था वैसे प्रोग्राम चित्रदुर्ग बैंगलोर में होने जा रहा है संडे को।
एक बजे दोस्तों लगातार मीटिंग हो रही है। अभी बड़ौदा में प्रोग्राम करके आए, वैसे प्रोग्राम लगातार आपके टीम में भी होने चाहिए। आप सभी लोगों को आपके टीम को मिलना है, आपके टीम को फोर बेसिक प्रोग्राम देना है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मीटिंग अटेंड कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग आपके सीनियर को बोल के लगवाएगा आपके एरिया में। जहां पे भी आप 30-50 लोग अगर बैठते हैं या ग्रुप मीटिंग होती है, तो वहां पे कोई ना कोई आपके लिए सीएमडी सर हो या जो मैं हूँ या टेक्निकल डायरेक्टर एडमिन डायरेक्टर 100% आपके साथ। तो बार बार नहीं मिलता है, अगर अपने को अपने बच्चों के लिए लाइफ को कहीं नहीं मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग काम कर रहे साफ सुथरा काम और सिस्टम चला रहे, जैसे मैंने बार बार स्पीच में कहा नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका है, दुनिया में इतना बड़ा रेलवे के बड़ा नेटवर्क किसी का भी नहीं है। उसी के साथ टाटा जैसी कंपनी आने वाली फोर्थ जनरेशन तक काम कर रही है, जो टाटा से किसी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया ली थी और टाटा की एयर इंडिया फिर से टाटा ने खरीद ली। इतना बड़ा मोटिवेशन हमारे लाइफ में है। अगर हमारे लाइफ में कोई खुशियां किसी ने छीन ली होगी, अगर हमारा कोई दुख दर्द कोई बांटने नहीं होगा, तो दोस्तों लेडी फ्लाई के साथ अगर आप आते हो तो आपका हर सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। लेकिन कोई भी आपको घर पे बैठ के कभी भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेज सकता है। आपके साथ झूठ बोल रहे और आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे लेके जा रहे। आपको अगर काम करना है, आपको आपके टीम के साथ रहना पड़ेगा, आपको लेफ्ट और राइट पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अगर आपको करना है, तो लगातार अगले 3 साल के साथ अगर हम लोग बने रहेंगे, तो जितने भी लेडी फ्लाई के आज तक जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर है, उन सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने ये समय दिया। और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ऐसे करते रहेंगे, आपको हर समय में आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स। हेलो, तो दोस्तों क्या आप लोगों को मौका हुआ है, तो इसके रास्ते अगर हम लोग काम करेंगे तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने रखी हुई है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग कि हम लोग सब लोग मिलके एक बड़ा काम कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। दोस्तों अगले 3 साल आग बंद करके आपके सीनियर के ऊपर, कंपनी के ऊपर और अपने कंपनी के ग्रेट सीएमडी डांगे सर के ऊपर भरोसा रख के अगर हम लोग काम करते हैं, आपके सामने आइए हम लोग हाथ से हाथ मिला के एक बेहतरीन काम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मेरा ये सेशन यही पे खत्म करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों ने आज एक आपका बेहतरीन समय दे दिया, तो आप सभी लोगों का फिर से मैं नवरात्रि में धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सेफ रहिए और सबके साथ एक अच्छे तरीके से आपकी टीम बनाइए। और आप सभी लोगों को मैं ताज के लिए आमंत्रित करता हूँ, होटल ताज में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। और जितने भी लोग होटल ताज में आएंगे दोस्तों, उनकी लाइफ बदल जाएगी। इतना बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन, इतना बेहतरीन फ्यूचर आपका लेडी प्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी मैं गारंटी और श्योरिटी देता हूँ। तो मैं फिर से हमारे कंपनी के नेशनल प्रमोटर केवट सर को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय लेडी प्लाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे ग्रेट एमडी सर मिस्टर सूरज कुमार सर, जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर दोस्तों इन्होंने चर्चा कर दी, यानी कि फ्यूचर में कंपनी की जो प्लानिंग है दोस्तों, उन सभी का रोड मैप आपके सामने जस्ट देखा जाए तो बहुत ही शॉर्ट समय में इन्होंने दिखाया दोस्तों। लेकिन इसका बड़ा पिक्चर आपको अगर दोस्तों देखना है तो आपको अचीवमेंट करना होगा होटल ताज। जी हाँ दोस्तों, होटल ताज के जो प्रोमो है दोस्तों, उसका समय
जो है समय सीमा सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक की दी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय है, बहुत शॉर्ट समय है दोस्तों, इस शॉर्ट समय में अपनी और हमारी टोटल जो टीम है दोस्तों, उन सभी का अचीवमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रियली देखा जाए दोस्तों, जिनकी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स होंगे होटल ताज के लिए, उनका बिजनेस आने वाले 6 महीने में दोस्तों एक अलग ऊंचाइयों तक जाने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप मिस नहीं कीजिए इस होटल ताज के इस जबरदस्त प्रोमो को दोस्तों, और साथ ही साथ आपके टीम को भी आपको इन्वॉल्व करना है इस बेहतरीन सेशन के लिए। तो दोस्तों आपने जो अपना कीमती समय दिया, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल में भी आप लोग दोस्तों अपने कीमती समय को आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से दिए हैं। तो अपनी बातों को दोस्तों यहीं पे विराम करूंगा और फिर वापस हम लोग जल्दी से जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय लेडी फ्लाई। थैंक यू।